तो पहले जब कोई पूछता था कहाँ रहते हो, तो मैं बोलता था नोएडा, बट अब कोई पूछता है तो इतना खो गए हैं काम में, तो बस मुंह से एक ही जवाब निकलता है, नो आइडिया। और घर से जब आप दूर रहते हो ना, तो पेरेंट्स को आपकी बहुत चिंता होती है, ठीक है, और ख़ासतौर की तब जब आप सिंगल होते हो। ज़्यादातर पेरेंट्स चिंता करते हैं कि यार लड़का कमा रहा है, अच्छा चलो शादी हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो जब भी मैं घर जाता हूँ ना, तो मेरे रिश्तेदार मुझे पकड़ लेते हैं कि यार तू शादी कब कर रहा है, तेरी उम्र हो गई है शादी की। कज़न्स बोलते हैं कि भैया हमें भाभी चाहिए। मैं कहा तुम्हें भाभी चाहिए? हाँ, हमें आपकी शादी में डांस करना है, फ़ोटो खिंचवानी है, खाना खाना है। मैं कहा तुम्हारे खाने के चक्कर में, तुम्हारे इंस्टाग्राम रील के चक्कर में, जिसपे 2 लाइक से ऊपर नहीं आते हैं, आप उनका अकाउंट खोल के देखिए, 2 लाइक से ऊपर नहीं होंगे, उसके चक्कर में मैं अपनी शादी कर लूँ। मैं कहा तुम्हें इतनी जल्दी है तो तुम कर लो शादी। कहते नहीं भैया हम आपका वेट कर रहे हैं। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैं कहा मैं सलमान भाई का वेट कर रहा हूँ। मैंने भी उनको बोला मैं सलमान भाई का वेट कर रहा हूँ। टिपिकल आंसर सभी सिंगल लौंडों का, जब भी कोई पूछे यार सलमान भाई ने अभी तक शादी नहीं की तो हम क्यों करें अभी तक। तो ऐसे ही कहानी चलती रहती है, और घर वाले फिर बोलते हैं एक एंड मोमेंट पे आके कि अगर तुम्हें कोई पसंद है तो तुम बता दो, हम तुम्हारी उससे शादी करा देंगे। अरे भाई दिक्कत तो यही है ना, जहाँ पे पेरेंट्स राजी हैं वहाँ पे लड़का लड़की नहीं ढूंढ पा रहा है, और जहाँ पे लड़का लड़की को पसंद करता है बट वहाँ पे पेरेंट्स राजी नहीं होते। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ज़्यादातर ऐसे ही होता है, बट अपनी स्टोरी कुछ और ही है। अपने फीमेल से इंटरेक्शन बहुत कम रहा है, लड़कियों से बातचीत मतलब बहुत दूर की बात है। आपने मैग्नेट्स देखे हैं? दो मैग्नेट्स को अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में रख दें एक मैग्नेट को, तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो अपना भी ऐसा ही था, लड़की बात करने की कोशिश कर रही है बट मैं दूर भाग रहा हूँ। तो अपने क्लास में एक लड़की थी नेहा, तो उससे सिर्फ इतनी बातचीत होती थी कि नेहा नोटबुक दे दो मुझे नोट्स कॉपी करने हैं। तुम्हें क्या लगता है कि कल एग्ज़ाम में क्या आएगा, तुम्हें लगता है मैं टॉप करूँगा? तो बस इतनी ही बातचीत होती थी। तो और जब आप स्कूल टाइम में होते हैं ना, तो जैसे कि अभी यहाँ पे सर ने बोला कि काफ़ी इम्पैक्ट करती हैं चीज़ें हमें बचपन में, तो आप मूवीज़ देखते हो उनका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो मुझे भी ऐसे इम्पैक्ट हुआ, तो मुझे लगा यार मैं अपने एटीट्यूड में था कि यार जब बड़े होंगे ना तो शाहरुख खान की तरह अपनी बाहें फैलानी है और लड़कियाँ गिर जाएंगी। बट मुझे क्या पता था कि मैं अनुपम खेर बनता जा रहा हूँ। बाल एकदम झड़ गए, और जब आपके बाल झड़ना स्टार्ट होते हैं ना, तो रैंडमली कोई भी अंकल आपको पकड़ लेते हैं, आप उनको नहीं जानते बट वो आपको जानते हैं। तो मुझे ऐसे ही एक अंकल मिले, बोलते आप गुप्ता जी के लड़के हो ना? मैं कहा हाँ। बाल झड़ गए? मैं कहा हाँ। मैं कहा आप फकीर चंद के लड़के हो ना, उंगली चंद? ऐसा मैं उनको बोलना चाहता था बट मैंने उनको बोला नहीं। तो बोलते बेटा ऐसे ऐसे करो। मैं कहा अच्छा। मैं कहा इससे क्या होगा? कहते इससे बाल आ जाएंगे, 1 महीना ट्राई करो और तुम्हारे सर पे घना जंगल होगा। मैं कहा ठीक है। मैंने बिल्कुल ऑनेस्टी से 1 महीने ऐसे ऐसे किया, करता गया, बालों का तो पता नहीं बट कुछ टाइम बाद नखून गायब हो गए। और आप यकीन नहीं करेंगे, नखून को आने में 6 महीने लगे। एक तो बालों की टेंशन अलग, नखूनों की टेंशन अलग। और नाई लोगों के पास जाओ आप, तो वो आपको बोलते हैं कि सर आप एक काम कीजिए, ये शैम्पू ट्राई कीजिए, इस शैम्पू से 100% गारंटी है कि बाल आ जाएंगे आपके। मैं कहा अच्छा। कहते हेयर थेरेपी करा लीजिए। और मुझे आज तक एक चीज़ समझ नहीं आई कि मैं जब सैलून में जाता हूँ तो वो मेरे से पैसे किस बात के चार्ज करता है। ठीक है मैंने दाढ़ी ट्रिम कराई है, यहाँ तक तो समझ आता है, बट 2 कैंची उसने इधर मारी, 2 कैंची इधर मारी, और बोलता है भैया कटिंग के पैसे। मैं कहा तूने किया क्या? बोलता भैया जितना ध्यान आपके बालों का रखना पड़ता है ना, उतना ध्यान जिनके सर पे ज़्यादा बाल होते हैं उनका नहीं रखना पड़ता। अब आप तैयार तो रोके सोचते हैं चलो यार एक फ़ोटो भी खिंचवा लें इंस्टाग्राम के लिए। तो इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डालते हैं, तो कुछ ऐसे कमीने दोस्त होते हैं ना आपके, वैसे कमेंट नहीं करेंगे बट जब आपने फ़ोटो डाली है तैयार होके तो ज़रूर कमेंट करेंगे। तो ऐसे ही मुझे एक दोस्त का कमेंट आया, तो वो थोड़ा शायराना अंदाज में उसने लिखा कि तेरे जुल्फे हैं या घना अंधेरा, तेरी जुल्फे हैं या घना अंधेरा, कर दूंगा गंजा हो जाएगा सवेरा। अब बोलो बाबा। तो ऐसे किस्से होते रहते हैं मेरे साथ। तो ऐसे ही मुझे एंड में रियलाइज हुआ कि यार अब ना शादी कर ही लेनी चाहिए। तो आपको याद है वो नेहा जिसको मैं स्कूल में बातचीत नहीं करता था, तो मैंने उसको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि हाय हाउ आर यू, तो वहाँ से रिप्लाई आता है कि हाय मैं ठीक हूँ, नेहा की शादी हो चुकी है, मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ, और अंकल अब आप भी शादी कर लो। ओके दैट्स इट फ्रेंड्स, यू बीन लवली ऑडियंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।